आपका क्या एक्सट्रैक्शन है? हाँ जी आज तो पानी नहीं है यहाँ पे, बिना पानी के काम कैसे होगा? स्केलिंग के लिए है पानी उसमें बड़ा वो? अच्छा वो आगे वाला दांत है ना निकालने को, वेट कर लेते हैं, अगर तो पानी आ गया तो कर दूंगी, अदरवाइज नहीं पानी अरेंज करना पड़ेगा कहीं से। कितना पानी चाहिए? मतलब दो बॉटल निकालनी पड़ेगी। हाँ ला दो फिर हो जाएगा। कविता इसके बाद किसकी टर्न है? बुलाओ टर्न वाइज। किसकी टर्न है? बुलाओ इसको। कविता जी आ जाओ। नमस्कार बैठो। क्या दिक्कत आ रही है? यहाँ पर ना ठंडा गर्म लग रहा है, नीचे आ रहा है। देखो कितने टाइम से? काफ़ी समय से। तो गर्म भी लग रहा है? हाँ जी जमीन से काफ़ी टाइम से है ना। हाँ जी दाढ़ एक ही दाढ़ में लग रहा है ना नीचे की? हाँ जी बीच में नहीं सही। बीपी शुगर की कोई मेडिसिन वगैरह लेती? किस किस की? बीपी की खाई। इसके अलावा कुछ नहीं। किसी दवाई से एलर्जी? उससे होती है, एंपिसलिन से। एंपिसलिन से एलर्जिक हो आप? ठीक है एक्सरे कराइए। कृष्ण सिंह क्या दिक्कत आ रही है? क्या दिक्कत है आपकी? अच्छा वो निकालने वाला है दांत? जो पदार्थ जो पहले पहले चल गया उसमें तो दर्द नहीं है, पीछे से लास्ट में है जो उसमें दर्द कर रहा है। कौन सा वाला? सबसे लास्ट पीछे। 76 साल के ना आप? कौन सा सबसे लास्ट वाला? वो तो अकलदाड़ है। एक्सरे होगा जी, एक्सरे में आएगा अगर अकलदाड़ यहाँ निकल सकती है तभी निकाल पाएंगे। अकलदाड़ निकालने का हम आपस में पूरा सामान नहीं होता। अगर अकलदाड़ की आधा अगर हड्डी में हुआ ना फिर नहीं हम कर पाएंगे यहाँ पे, क्योंकि हड्डी जो ऊपर को बेंड करती ना जैसे हमारा ये जबड़े की, अगर तो नीचे की ऐसे ऐसे वाली हड्डी में अगर ऐसे वाली में तब तो हम कर दे, लेकिन अगर इसमें घुस जाए फिर थोड़ा सा मुश्किल होता है हमें, इसलिए एक्सरे होगा। आगे वाले दांत का तो यही हो जाएगा ना अकलदार का? हाँ जी वो तो मेरे को पता है, आगे वाले का तो मैं कर दूंगी ना अगर कराना होगा। अकलदार का पहले एक्सरे लो उसके हिसाब से बता देती हूँ, अगर होने वाला होगा यहाँ तो कर दूंगी, अदरवाइज तो फिर एक्सरे पे डिपेंड करता है बताऊंगी। तो अगली बारी पढ़ लेंगे। हाँ देख लेना अंकल आपने ना, मैं बताती हूँ आपको। ये रंभा जी खाना खाया आपने? क्या जड़े हैं आपकी निकालने वाली ना? जड़े किसी के साथ आए हैं आप? हाँ जी। पूरे दांत हैं क्या है दिखाओ? पूरा दांत है। कौन सा वाला निकालना है? ये तीसरे नंबर वाला। ये सुआ दांत? हाँ जी। अच्छा ठीक है। देखो पहले हम आपको टेस्ट वगैरह देंगे क्योंकि आप थोड़े घबराने वाले पेशेंट हैं, या तो किसी को साथ लेके आया करो है ना, बाई चांस कुछ हो गया आपको तो फिर उसके लिए थोड़ा सा हमें प्रिपेयर रहना पड़ता है। ऑलरेडी आपकी हिस्ट्री भी वैसी है ठीक है। अकेले क्यों आए, किसी को ले आते तो लाए। चलो फिर तो बढ़िया है। खाना खाया है? ठीक है निकाल दूंगी है ना, घबराना नहीं है और आराम से बैठो बाहर जाके ठीक है। ठीक है ओके। इनकी तो स्केलिंग है ना? ठीक है। पॉकेट्स की दिक्कत है आपको तो है ना? स्केलिंग के बाद आपकी फिलिंग है शायद।